Jain all of you. Welcome students. As you know, your chapter number 8, Human Health and Disease, are running. In this chapter, we study about amebiosis in last video, and today we study two type of disease. First disease, it is ascariasis, and second is filariasis. Okay, so first up we describe about ascariasis. What is ascariasis? Ascariasis disease caused by ascaris. Ascariasis disease caused, मतलब कि इसका पैथोजन है वो है एस्केरिस से, ठीक है? एस्केरिस विच इज ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम नेमेटोडा, ठीक है? फाइलम नेमेटोडा का ये ऑर्गेनिज्म है एस्केरिस. यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एस्केरिस इन लास्ट क्लास. आपने एस्केरिस के बारे में लास्ट पिछली क्लास में जो है समझा है, ठीक है? क्योंकि एस्केरिस जो है, एस्केरिस के जो एग्स होते हैं उनके थ्रू ये स्प्रेड वाली, फैलने वाली जो है बीमारी होती है, ठीक है? इट इज आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म. इसे राउंड वर्म कहते हैं. ओके, एस्केरिस का की जो जाति है वो एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स के थ्रू ये स्प्रेड होती है, फैलने वाली जो है डिसीज है. एस्केरिस आर बोथ टाइप, मेल एंड फीमेल. Ascaris is a bisexual dimorphism organism. ये जो है dimorphism होते हैं, मतलब male और female जो है अलग अलग separately रहते हैं, ठीक है? Male, it is a female. Female is a of female of the Ascaris is about 22-29 centimeter long. इसे female of इसकी long length होती है 20-40-9 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है? और जो मेल होता है इसकी लेंथ क्या होती है फीमेल से जो है कम होती है, ठीक है? मेल इज अ शॉर्ट, या इसकी जो लेंथ है स्मॉल देन फीमेल से. फीमेल की जो मेल की जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है? मेल की जो मेल होती है इसकी जो टेल वाला पोर्शन होता है वो कर्व रहता है. टेल ऑफ द मेल इज कर्व, इसका भाग होता है, ठीक है? और इसकी जो लेंथ होती है ये कम होती है. जनरली जो एस्केरिसिस है, एस्केरिसिस की डिसीज में हम पढ़ेंगे इसकी जुवेनियल्स होते हैं. जुवेनियल्स विच पेनिट्रेट वॉल इंटेस्टाइन एंड मेक ये दे आर लीवर लंग्स. इसके जो कहां कहां होते हैं, ये जो बेसिस के जुवेनियल्स होते हैं ये जनरली हमारे इंटेस्टाइन में, लंग्स में, ठीक है, लीवर में और हार्ट तक भी जाते ये जा सकते हैं. ओके, इसमें जो है अब इसके जो सिम्टम्स है, इसके डिजीज के बीमारी के लक्षण क्या है, क्या था? स्टमक पेन, पेट दर्द होना, वीकनेस, वोमिटिंग प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं इसके. ओके, सेकेंड है हेडेक, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ाहट, स्लाइट टेम्परेचर का कम होना इसके, चिल्ड्रन डिजीनेस, चिल्ड्रन डिजीनेस होता है, ठीक है? विथ इज स्टोन ग्रोथ एंड बीट बीन रिपोर्टेड. ओके, इस प्रकार से जो इसके जो है सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होते हैं, इरिटेबिलिटी, स्लाइट टेम्परेचर, ठीक है? अब है ट्रीटमेंट. इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जनरली होता है, इसके ट्रीटमेंट में कुछ जो है मेडिसिन यहाँ पे एस्केरिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे एक्सिल रिसोर्स सिनॉल, ठीक है, एक्सिल रिसोर्स सिनॉल, फिर पाइपेरेजिन सायरप जो है वो देना चाहिए, ठीक है? इसके जो एग्स होते हैं वो मलमूत्र के साथ जो होते बाहर निकलते हैं और जनरली क्या आते हैं हमारे फलों पर, सब्जियों पर जो होते हैं चिपके हुए रहते हैं, ठीक है? यदि इसका जो प्रिवेंशन है क्या करना चाहिए हमें, जनरली इट कैन बी बाय
प्रॉपर डिस्पोजल जो फीकल मटेरियल जो रहता है और या मलमूत्र जो रहता है उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको वॉश करकर, ठीक है, प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और प्रवाश करके ही क्या करना चाहिए, ईटिंग करना चाहिए। ओके, फिलेरियसिस नेक्स्ट हमारी जो डिसीज है नेक्स्ट है फिलेरियसिस। फिलेरियसिस डिसीज इट इज आल्सो कॉल्ड ये फिलेरियसिस डिसीज होती है। इस फिलेरियसिस इसमें क्या होता है एलिफेंटेसिस मतलब कि जो हाथी पांव होता है जो पैर होता है काफी स्वेलिंग सूजन हो जाती है पैरों में और इसे हाथी पांव के नाम से जनरली जो है जाना जाता है। इस डिसीज को इस टाइप से क्या होता है पैरों में स्क्रोटम में क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा और जाते काफी लार्ज साइज के दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब फिलेरियसिस डिसीज जो है इट इज कॉज्ड बाय मतलब कि जो कैंसर उत्पन्न होती है इज कॉज्ड बाय वॉकेरिया बैंक्रॉप्टी। वॉकेरिया बैंक्रॉप्टी के थ्रू ये जो है फैलाई जाने वाली डिसीज होती है। ठीक है, जनरली ये जो वॉकेरिया बैंक्रॉप्टी जो होते हैं इनका जो है ट्रांसमिशन हो जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। क्यूलेक्स मॉस्किटो या क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या होता है फैलता है। ठीक है, बाइटिंग ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो जब क्यूलेक्स मॉस्किटो एक मतलब कि पेशेंट को काट करके जब वो हेल्दी पर्सन को क्या करता है काटता है तो बाइट करता है तो वो चीज जो है वॉकिंग या बैंक्रॉप्टी का क्या होता है ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन जो है पर्सन में क्या होती है वो डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जनरली जो जुवेनियस होते हैं वॉकिंग या बैंक्रॉप्टी से जो जूनियर्स होते हैं ये जो होते हैं बॉडी में मॉस्किटो के थ्रू पहुंचाए जाते हैं और जब ये पहुंचाए जाते हैं तो हेल्दी पर्सन में क्या होता है जो जुवेनियस होते हैं मतलब इसके जो लार्वा वाले जुवेनियस होते हैं जो कि बीमारी को प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होते हैं एंटर कर जाते हैं। लिम्फ नोड के अंदर एंटर करके बहुत ज़्यादा क्या होते हैं ग्रोथ करके संख्या में बढ़ा लेते हैं और लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली फिलेरियसिस में हमारी जो लिम्फ नोड्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है। लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाने पर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो बंद हो जाने के कारण क्या होता है जहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है द स्मॉल जुवेनियस ब्लॉक द लिम्फ रिजल्टिंग स्वेलिंग। ठीक है, तो नोड्स जो जुवेनियस होते हैं लिम्फ नोड्स को लिम्फ वेसल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उस प्लेस पर क्या स्वेलिंग हो जाती है। ये स्वेलिंग धीरे धीरे क्या होती है बढ़ती जाती है जिससे कि इस टाइप की कंडीशन में आती है इसे एलिफेंटेसिस कहेंगे और स्क्रोटम में भी काफ़ी क्या होती है सूजन हो जाती है टेस्टिस के आसपास जो टेस्टिस सेक होता है इसके स्क्रोटम कहेंगे वहाँ भी स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट इसके सिम्टम, ठीक है, कैरेक्टर स्वेलिंग तो होती है लेग्स में, ठीक है, स्क्रोटम में, मेमरी ग्लैंड्स में। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ वेसल जो होती है लिम्फ वेसल जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, अब ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंटेसिस फैली फिलेरियसिस के ट्रीटमेंट के लिए जनरली कुछ मेडिसिन यहाँ पर जैसे साइमिन डाइज इसके अलावा डी डाइथिलेट कार्बोमेसिन। ठीक है, इस प्रकार की कुछ डिसीज है जो कि आपको हम एक दो डिसीज एक दो या दो जो है मेडिसिन आपको लर्न करके रखना है। प्रिकॉशन स्टेप्स ऑफ द किल क्यूलेक्स मॉस्किटो मस्ट बी एडॉप्टेड। क्या होता है मच्छर को मारने के लिए जो कीटनाशक या मच्छर की दवाई होना चाहिए जिससे कि क्यूलेक्स मॉस्किटो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज बर्न पेन ड्यूरिंग एक्सक्रीशन यूरिन। क्या होता है जब इसमें पर्सन होता है उसकी यूरिन में यानी कि यूरिन की एक्सक्रीशन में जो है बाथरूम करने में क्या होता है काफ़ी जलन होती है। ठीक है, जलन होती है और दर्द होता है। ठीक है, यूरिन में
इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी क्या आती है, एक दूसरे से क्या आती है, फैल जाती है। ठीक है, गर्ड विद हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इसलिए टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, फॉर रिलीफ। तो इस प्रकार से हम ये जो डिसीज के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। एंड नाउ इसी के साथ हमारा जो वायरस वाली जो डिसीज होती है वो कंप्लीट होती है। एंड वी टुडे नेक्स्ट डे वी स्टडी अबाउट डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू फैलने डिसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों डिसीजेस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और लर्न करेंगे। एंड यू स्टडी अबाउट योर हेल्थ एग्जाम। जय हिंद।